नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं 28 मार्च सन 2022 समय लगभग 1 बजे। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप संभवतः विश्व का पहला एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल है जो 42 कमोडिटीज के ऊपर अपना आकलन विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है, चाहे वो एग्रो कमोडिटीज हो, मेटल्स हो, बुलियन हो, इन सभी पर सटीक विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का सटीक विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे स्टील के ऊपर क्या संभावना है, लोहे के ऊपर क्या बात है। आपको याद होगा, हमने अपने पिछले एपिसोड्स के अंदर आपको स्टील की हर तेजी मंदी को सही तरीके से पकड़कर आप तक पहुंचाया था और वो सत्य भी साबित हुई। दोस्तों, आज 28 मार्च सन 2022 दिन के लगभग 1 बजे देश के विभिन्न हिस्सों में लोहे के क्या भाव रहे, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम भाव लेंगे लोहा मंडी गोविंदगढ़। यहाँ पर इंगट के प्राइस 58,800 बताए जा रहे हैं, 600 रुपये की तेजी दर्ज हुई है। दुर्गापुर में 57,500, 200 रुपये की गिरावट है, और कोलकाता 58,200, यहाँ 200 की गिरावट है। अब कास्ट आयरन के भाव हम ले लेते हैं। कास्ट आयरन के भाव टोका 48,000 है और इम्पोर्टेड 49,000 के भाव है, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं दर्ज हो रहा है। ओल्ड आयरन स्क्रिप्ट प्राइसेस के अंदर हम देखें तो मंडी गोविंदगढ़ के अंदर 600 रुपये की तेजी दर्ज हो गई है, 44,800 के भाव हैं। मंडी मेल्टिंग 47,800 यानी 600 की तेजी है। अलंग के अंदर 47,500, यहाँ पर 500 की तेजी है। भावनगर 47,500, यहाँ पर भी 500 रुपये की तेजी है। और दुर्गापुर के अंदर 48,500, यहाँ 300 रुपये की तेजी है। कोलकाता के अंदर भी 300 रुपये की तेजी के साथ ये 49,000 रुपये का भाव बताया जा रहा है। और मुजफ्फरनगर 49,200 यहाँ पे फ्लैट है। मुंबई के अंदर 45,000 के भाव हैं और दिल्ली 48,600 यानी 200 के भाव प्लस में हैं। इंदौर ओल्ड स्क्रैप 44,700 के भाव बताए जा रहे हैं, अभी इसमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आया है। 28 मार्च सन 2022 समय लगभग 1 बजे दोपहर। दोस्तों, एक बड़ा ऐलान, एक बड़ी आपको चेतावनी, एक अग्रिम अलर्ट, एक अग्रिम आगाह, एक अग्रिम प्रार्थना। अप्रैल के महीने के अंदर बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं लोहा एवं स्टील के अंदर। क्या बहुत बड़ी तेजी का आप इंतजार कर रही है या फिर लगातार गिरावट होने वाली है? दोस्तों, याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा उन स्टॉकिस्ट के लिए, उन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, उन मिल ऑनर्स के लिए जिन्होंने 15 दिन बाद या 1 महीने बाद अपना माल खरीदना है, आगे के ऑर्डर देने हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि बहुत तेजी आ गई और आप नहीं खरीद पाए तो निश्चित रूप से बड़ी परेशानियों का सबब होगा। और आपने बहुत जबरदस्त खरीदी कर ली तेजी को देखते हुए और बाजार बहुत बुरी तरह से गिरे, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी बड़ी परेशानी होगी। दोस्तों, आपको याद कीजिए, हमारे फरवरी 2022 का प्रथम सप्ताह का अलर्ट 20 दिनों में होने वाला है असली खेला, और 14 फरवरी का हमारा जो विशेष एपिसोड जो हमने आपको प्रसारित किया था, एक हफ्ते अग्रिम बताया था कि 21 फरवरी के बाद तेजी आ सकती है, बच जाओ। और 21 फरवरी से जो तेजी चली स्टील के अंदर और 8 मार्च तक उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए, लगभग 40% की एक तरफा तेजी स्टील में दर्ज हुई, जिसका अनुमान अग्रिम विश्लेषण हमने आपको पहले दिया था। और उसके बाद जब गिरावट हुई उसका भी अनुमान दिया था कि स्टील में होगा खूनी खेल, बच सको तो बच जाओ। 7,000 रुपये की गिरावट, 63,000 से एकदम से गिरा। तो दोस्तों, ये सारे एपिसोड हमारे इस चैनल पर हैं। आप हमें हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं स्टील लगकर, और ओल्ड शो प्रीवियस प्रोडक्शन लिख के बोलिए कि पुरानी भविष्यवाणी, तो हम आपको लिंक भी भेजेंगे। दोस्तों, देश के विभिन्न हिस्सों में लोहा इस्पात के जो भाव हैं वो बिल्कुल निःशुल्क आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। आप हमें हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कीजिए, स्टील लिखकर, लोहा लिख के, अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख के भेजिए। हम आपको निशुल्क दिन में से 3 से 5 बार फ्री अपडेट देंगे, निशुल्क भाव, भाव के कोई पैसे नहीं हैं। यदि अग्रिम विश्लेषण चाहते हैं, अग्रिम रिपोर्ट चाहते हैं स्टील की, उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।